हेलो गाइस, मैं हूं स्वागत। और गाइस, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना, आप भी मेरी तरह एक चुटकियों में साइकिल के लिए हॉर्न बना सकोगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं लिया हूं एक साइकिल हॉर्न का ऊपर वाला ढक्कन को। और गाइस, इसका अंदर बहुत सारे जंग लग गया है, देख सकते हो। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कम चल जाएगा। तो इसको रखता है साइड में। और अब लिया हूं एक प्लास्टिक का टुकड़ा, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से शेप करके कटिंग किया हूं। और गाइस, यहां पे देख सकते हो मैं तीनों होल करके रखा है पहले से, और आपको सेम ऐसा ही बनाना है। ओके, और यहां पर बीच में जो होल है वो लग जाएगा मोटर में, और साइड में जो दोनों होल किया हूं वहां पे मैं पेन का रिफिल लगा दूंगा। ओके, और आप यहां पे आपके हिसाब से कोई भी जुगाड़ लगा सकते हो। और आप गाइस, रिफिल को मैं अच्छे से जोड़ लेता हूं। ओके, तो गाइस जोड़ दिया है। और अच्छे से जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फेबिक क्विक डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ। तो अब गाइस, मैं लिया हूं दोनों वॉशर। और गाइस, इस तरह का दोनों वॉशर आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मोटा है देख सकते हो। और अब इसी दोनों वॉशर को यहां पे डाल देता हूं। तो डाल दिया है, और अब दोनों रिफिल को थोड़ा थोड़ा करके मोड़ दूंगा। ओके, और अब गाइस लिया हूं एक पाइप। और गाइस, ये पाइप थोड़ा सा बड़ा था इसलिए इसको काट के छोटा करना पड़ा। और उसके बाद लिया हूं एक राउंड से बोर्ड, इसको कुछ इस तरीके से चिपका दूंगा। ओके, तो उसके पहले मैं लिया हूं एक डीसी मोटर। और गाइस, इसके ऊपर देख सकते हो एक चरखा भी है, ये बहुत काम का है। और आप गाइस, इसी डीसी मोटर को पीवीसी शीट का एकदम बीच में लगाऊंगा, इसलिए यहाँ पे ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट ग्रुप कटिंग कर लेते हैं। तो ग्रुप कटिंग भी कर लिया हूं, और अब पाइप को इसके ऊपर चिपका देता हूं। तो गाइस, इसको मैं चिपका दिया हूं, और चिपकाने के बाद इसको मैं सैंडपेपर में घिस के अच्छे से फिनिशिंग भी कर दिया हूं। और अब गाइस, यहां पे मोटर को फिट कर दूंगा। तो फिट करने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि मोटर को यहां पे फिट करने से पहले आपको मोटर को यहां पे लगा के देखना है, मोटर कहां फिट करना है। मतलब मोटर के ऊपर ये जो मैकेनिज्म मैंने बनाया है, इसको लगा के उसके ऊपर ढक्कन को रख के मोटर को चलाना है, तभी आपको पता चलेगा कहां मोटर को फिट करना है। और गलती से मोटर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो यहां पे अच्छे से काम नहीं करेगा, अच्छे से नहीं बजेगा। ओके, और आप एक बार आपके हिसाब से देख के उसके बाद मोटर को यहां पे फिट करना है। ओके गाइस, तो अब मैं पीवीसी शीट को मोटर के ऊपर अच्छे से फिट कर लेता हूं। तो पीवीसी शीट को मैं अच्छे से जोड़ दिया हूं, और अब यहां पे स्विच भी लगाना पड़ेगा, और स्विच लगाने के लिए यहां पे ग्रुप कटिंग भी करना होगा। तो चलिए फटाफट यहां पे ग्रुप कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस, ग्रुप कटिंग मैंने कर लिया है, और अब यहां पे स्विच भी लगा दूंगा। मैं यहां पे स्विच ले लिया हूं, ये पुश स्विच है देख सकते हो, कुछ इस तरीके से काम करता है। और इसका पीछे देखो, यहां पे दोनों टर्मिनल है, और मैं यहां पे दोनों तार फिट कर लेता हूं। तार लगाना कंप्लीट हो चुका है, और अब यहां पे स्विच को लगा देता हूं। तो गाइस, स्विच को मैंने यहाँ पे फिट कर लिया है, और अब स्विच का दोनों तार को निकालने के लिए एकदम पास में एक छोटा सा होल करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो गाइस, होल मैंने कर लिया है, और अब इस दोनों तार को यहाँ से निकाल देता हूँ। तो गाइस, वॉशर को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, पहले मैं खोल लिया था। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं और भी एक रिफिल का टुकड़ा लगा दिया हूँ, जिसे वॉशर यहाँ से खोल ना जाए। ओके, देखो यहाँ पे ये बाहर भी चला जाए तो इसके बाहर नहीं जाएगा। ओके, एकदम इसके अंदर ही रहेगा। और आप गाइस, मैं एक पीवीसी शीट को हीट देकर इस तरह का बना लिया हूँ, आपको सेम ऐसा ही बनाना है। और इसके बीच में मैं एक होल भी कर दिया हूँ, और इसी पीवीसी शीट को इसी ढक्कन के ऊपर लगा देना है। तो गाइस, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक होल कर दिया हूँ, और यहाँ पे मैं एक होल कर दिया हूँ। ओके, और इसमें भी दोनों होल कर दिया है देख सकते हो। तो अब मैं इसी ढक्कन को यहाँ पे फिट कर दूंगा। तो इसको फिट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा दोनों स्क्रू। आप चाहें तो सुपर ग्लू भी यूज कर सकते हो, बट अगर ये अंदर से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप इसे खोल नहीं सकते दोबारा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप स्क्रू से ही जोड़े। गाइस, इसको मैंने अच्छे से फिट कर दिया हूं, और अब मोटर को कनेक्शन भी करना पड़ेगा। तो कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, यहां पर दोनों तार है, तो दोनों तारों में से कोई भी एक तार को छोटा करके मोटर का कोई भी एक पॉइंट में सोल्डरिंग कर लेना है। और उसके बाद एक अलग से तार लेना है, उसको मोटर का दूसरे पॉइंट में सोल्डरिंग कर लेना है। और ये जो दोनों तार है, ये तार जाएगा बैटरी में। तो यहाँ पे बैटरी लगाने पर, स्विच ऑन करने पर ये मोटर ऑन हो जाएगा। ओके, तो कनेक्शन कंप्लीट।
आप गैस मोटर को ढकने के लिए मैं यहाँ पे ले आऊँ एक ढक्कन। तो ढक्कन का एक साइड में एक छोटा सा मैंने होल कर देता हूँ, तो होल मैंने कर लिया है। और अब इसी दोनों तार को इसी ढक्कन का होल के अंदर से डाल देता हूँ। गाइस ढक्कन को मैंने यहाँ पे फिट कर लिया है। और अब इसको साइकिल में फिट करने के लिए इसका नीचे एक छोटा सा क्लिप भी लगाना पड़ेगा। तो क्लिप लगाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा होल भी करना पड़ेगा, तो होल मैंने कर लिया है। और अब एक क्लिप भी बनाना पड़ेगा, तो मैं एक क्लिप बना लिया हूँ, देख सकते हो। एक पीवीसी सीट को हीट देकर इस तरह का बना लिया हूँ, आपको सेम ऐसे ही बनाना है। और इसके ऊपर मैं एक छोटा सा होल कर दिया हूँ और इसका नीचे दोनों होल कर दिया हूँ, ओके। और अब क्लिप को यहाँ पे लगा देंगे, तो ये तो ऐसे नहीं लगेगा, इसको लगाने के लिए फिर से ऊपर वाला जो ढक्कन है उसको खोलना पड़ेगा। तो मैं फटाफट इसको खोल लेता हूँ। खोल लिया है और अब इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पे लिया हूँ एक छोटा सा स्क्रू, तो स्क्रू के द्वारा इसको यहाँ पे अच्छे से टाइट कर दूंगा। तो गाइस इसको मैंने लगा दिया हूँ और अब इसको फिर से दोबारा से लगा देता हूँ। तो गाइस हॉर्न एकदम रेडी हो चुका है। और गाइस आपको एक बार टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ एक कैसे वर्क करता है। गाइस मैं लिया हूँ एक बैटरी और ये जो दोनों ब्लू तार है इसको बैटरी का दोनों पॉइंट में लगा देता हूँ। और गाइस इसका कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, आप जैसे भी करके लगा सकते हो। और गाइस इसका साउंड सुनो, बहुत ही अच्छे से ये वर्क कर रहा है, देखो गाइस। तो गाइस ये हॉर्न काम तो कर रहा है बहुत बढ़िया। और अब इसको साइकिल में लगाने से पहले मैं इसको अच्छे से कलर कर देता हूँ और उसके बाद ही साइकिल में लगाऊंगा। तो चलिए फटाफट इसको कलर करके ले आते हैं। तो गाइस साइकिल लेकर मैं आ गया हूँ और मेरे साइकिल में पहले से बैटरी लगा हुआ था, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बना था एक साइकिल के लिए लाइट, ओके। तो इसलिए बैटरी पहले से लगा हुआ था। और गाइस इसी हॉर्न को देखो, इसी हॉर्न को मैं अच्छे से कलर कर दिया हूँ, सिल्वर कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन में कलर किया हूँ, बहुत ही शानदार लग रहा है। और अब इसको हैंडल में फिट कर लेता हूँ। और गाइस इसको फिट करने से पहले आप एक बार चेक कर लेना कि आपका उंगली स्विच में जा रहा है कि नहीं, ओके, उसके बाद इसको फिट करना। तो मैं फटाफट इसको फिट कर लेता हूँ। तो गाइस हॉर्न को मैंने यहाँ पे अच्छे से फिट कर लिया हूँ और इसको मैंने मेरे हिसाब से किया हूँ, आपके हिसाब से फिट कर लेना, ओके। और अब इसी दोनों तार को बैटरी का दोनों तार के साथ जस्ट जोड़ लेना है, ओके। तो गाइस कनेक्शन पूरा रेडी हो चुका है और आप देखो क्या होता है। तो गाइस हॉर्न तो बनाना सीख लिया है। और अगर आप साइड में लाइट भी लगाना चाह रहे हो तो इस वीडियो को जरूर क्लिक करना, आपके साथ वही मिलूंगा, ओके बाय।